अहिंसा परमो धर्म का संदेश देने वाले भगवान महावीर और कई तीर्थंकर से जुड़े जैन धर्म के एक और युवावस्था में जैन मुनि का दीक्षा लेने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के 23 साल के युवा हिमांशु जैन 10 दिन पहले की गिरिडीह के बड़ा चौक स्थित दिगंबर जैन मंदिर पहुंचे हुए जैन मुनि 1008 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के सन्निधि में रहे। इस क्रम में जैन मंदिर से युवा हिमांशु जैन का भव्य विंदोरा बारात निकाला गया, जिन्हें दूल्हा के वेश में सवार हिमांशु जैन इस बारात में गिरिडीह सकल जैन समाज के कई सदस्य शामिल हुए। शहर भ्रमण किए गए और जानकारी के अनुसार हिमांशु जैन मध्य प्रदेश निवासी मनोज जैन के बेटे और अगले माह 23 अक्टूबर को संसारिक सुख त्याग कर विशुद्ध सागर जी महाराज के सन्निधि में दिल्ली के बागपत में जैन मुनि की दीक्षा लेने जा रहे हैं। ये जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं आज, ये बिंदौली का कार्यक्रम है। हमारे यहाँ जब मुनि दीक्षा लेते हैं तो उसके पहले श्रावक की बिंदौली निकाली, जिस प्रकार से किसी की शादी होती है तो बारात निकालते हैं और फिर वो बारात जाती है, शादी करती है और शादी करके फिर वो अपने आनंद में जीवन में संपन्न करती है। उसी प्रकार से ये मोक्ष रूपी मोक्ष लक्ष्मी को वरण करने के लिए जा रहे हैं और आज उनकी ये प्राथमिक बारात निकाली गई है। अभी ये दर्शन करेंगे, इनके कार्यक्रम होंगे, गोद भराई वगैरह का कार्यक्रम है गिरिडीह में संपन्न होगा। इसके पहले भी इनके कई जगहों पर गोद भराई का कार्यक्रम हुआ है। इनकी उम्र, ये हमारे हिमांशु भैया जी हैं, नाम बता दूं मैं, इनकी उम्र मात्र 23 वर्ष है और 19 वर्ष की अवस्था में इन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया था। गुरुदेव श्री आचार्य विशु सागर जी महाराज जी से ये दीक्षा लेने जा रहे हैं और अपना कल्याण करने के लिए उस मार्ग पर आगे अग्रसर हो रहे हैं। ये भिंड के रहने वाले और इनके विषय में मैं आपको अधिक क्या बताऊँ, जितना कहूँ उतना कम है। जैन धर्म में सर्वोच्च पद जिसे कहते सिद्ध पद, उसकी प्राप्ति के लिए इनका ये सारा उपक्रम है कि उस पद पर आगे बढ़ रहे हैं, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने का इनका ये प्रक्रिया है। यही सब कुछ आज